अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग व्लॉग। आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग फॉर ग्रोसरीज? तो मैंने आज सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं, तो व्लॉग बना रहे हैं। इस व्लॉग में काफ़ी सारे बच्चों की आपको क्लिप्स नज़र आएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है इस बार बच्चों ने कंटेंट दिया है वीडियो में, तो वो भी आपको नज़र आएगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि रिसेंटली मैं गई थी लकी मन मॉल, तो वहाँ पर मैंने देखी वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में अब बहुत से लोग जो है अपने कॉइन्स जो है वेस्ट कर रहे थे वेंडिंग मशीन में, मतलब कॉइन्स डाल रहे थे और उनको गिफ्ट नहीं मिल रहा था। वेट, मैं लकी वन मॉल का जो वंडरलैंड है उसका कार्ड लेकर आती हूँ। वेट अ सेकंड। 3, 2, 1।
कार्ड नहीं मिल रहा तो व्हाट्स इन माय बैग ही कर लेते हैं ताकि कार्ड मिल जाए। वॉलेट्स, मोर वॉलेट्स, कार्ड, बस इससे ज़्यादा मैं व्हाट्स इन माय बैग नहीं कर सकती। ओके, तो ये है वंडरलैंड का कार्ड। इसमें इसको आपने स्वैप करना होता है और वेंडिंग मशीन में जब आप यू करके स्वैप करते हो तो आपको गिफ्ट मिलते हैं अकॉर्डिंग टू यू, बट असल में गिफ्ट नहीं मिलते क्योंकि वेंडिंग मशीन जाती है, गिफ्ट उठाती है और जब तक वो वापस ला रही होती है वो गिफ्ट जो है ड्रॉप कर देती है वेंडिंग मशीन के अंदर ही। तो उसकी मैं आप लोगों को रियलिटी बताना चाहती हूँ, मीन्स मैं सोच रही हूँ कि आपको वेंडिंग मशीन की प्रोग्रामिंग बताऊँ ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम किसी भी मॉल में जाएं और आपको वो गिफ्ट वाली वेंडिंग मशीन नज़र आए तो आप उस पर अपने कॉइन्स ज़ाया नहीं करें एटलीस्ट। तो वेंडिंग मशीन बनने से पहले जब वेंडिंग मशीन का हार्डवेयर बनता है, जब उसका उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रही होती है तो उसका एक ऑटोमेटा डिज़ाइन होता है। ऑटोमेटा क्या होता है वो मैं यहाँ पर दिखा दूँगी, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ऑटोमेटा किस तरीके से बनाया जाता है। तो किसी भी मशीन का ऑटोमेटा होता है जिसके अंदर आपका गोल डिफाइन होता है कि वो मशीन क्या करेगी और उसका परफॉर्मेंस होता है कि किस तरीके से किन वेज के थ्रू वो मशीन जो है ये काम करेगी। सो वेंडिंग मशीन का भी ये डिसाइड होता है कि वेंडिंग मशीन का एक ऑन स्टेट होती है, उससे स्टार्ट स्टेट होती है, स्टार्ट स्टेट से एंड स्टेट तक वो जो है गिफ्ट जो है बाहर डिलीवर करती है। ये एक बेसिक वेंडिंग मशीन का ऑटोमेटा होता है। अब जो यहाँ पे वेंडिंग मशीन का ऑटोमेटा लोग बनाते हैं तो उसमें उनको काफ़ी हर्डल्स फेस होती हैं, वो प्रॉपर ऑटोमेटा नहीं बना पाते जिसकी वजह से आपकी जो वेंडिंग मशीन होती है वो आपको आप तक गिफ्ट डिलीवर नहीं कर पाती, मीन्स वो गिफ्ट उठाती है वहाँ तक ऑटोमेटा होता है कि स्टार्ट स्टेट होती है, वेंडिंग मशीन चलती है, गिफ्ट उठाती है, वहाँ तक वो बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन जब वो गिफ्ट लेकर आती है तो वो या तो जानबूझ के ड्रॉप की स्टेट लगा देते हैं कि गिफ्ट जो है ड्रॉप हो जाए वेंडिंग मशीन के अंदर ही आप तक नहीं पहुंच पाए, या उनसे वो ऑटोमेटा बनता ही नहीं है तो वो गिफ्ट वहीं ड्रॉप हो जाता है और वो बाहर तक नहीं आ पाता एंड तक। तो ये थी रियलिटी वेंडिंग मशीन की। नेक्स्ट टाइम आप जाएं तो वेंडिंग मशीन में अपने कॉइन्स ज़ाया नहीं करें। मैंने तो ये वेंडिंग मशीन में अपने कॉइन्स ज़ाया नहीं किया, आप व्लॉग में देख सकते हैं। मैंने इसकी जगह टॉय के लिए खेल लिया था जो मैं हार गई थी और मेरी सिस्टर जीत गई थी, तो उनकी बेटे को टॉय मिल गया था। खैर वो अच्छा गेम है, उसमें आप कम्पीट करते हैं, आप प्लान भी कर सकते हो कि यार मुझे टॉय चाहिए, मैं टॉय के लिए खेलूँगी, हम दोनों में से जो भी जीते मुझे टॉय दे देना, तो वो आप आराम से ले सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वेंडिंग मशीन में डेफिनेटली आपके कॉइन ज़रूर ज़ाया होंगे। तो चलें आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।